जिला ऊना के उपमंडल अंब के रहने वाले मुश्ताक गुज्जर आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। मुश्ताक गुज्जर ने करीब 4 साल पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाया था और आज मुश्ताक इसी खेती के दम पर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। मुश्ताक की माने तो उसने खेतों में 1300 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं, जिससे इस सीजन में 2 टन पैदावार हुई है। मुश्ताक ने युवा पीढ़ी से परंपरागत खेती से हटकर इस तरह के प्रयोग करने की बात कही है। मैंने यहाँ पे ड्रैगन का फार्म एस्टेब्लिश करा हुआ है, जो तकरीबन मेरे पास अभी 3000 के आसपास प्लांट है। ये फार्म मैंने 2019 में शुरुआत करी थी। स्टार्टिंग में मैंने 500 प्लांट से शुरू करा था, अभी मेरे पास इसके 3000 प्लांट हैं। और इसमें मेरे पास मेनली 3 वैरायटीज हैं, 2 हाइब्रिड हैं और 1 ट्रेडिशनल वैरायटी है। इस में अभी मेरे पास जो प्रोडक्शन में है वो अप्रोक्सीमेट 1200-1300 के आसपास प्लांट हैं जो अभी प्रोडक्शन में है। और इससे मैं इस साल अप्रोक्सीमेट 2 टन के अप्रोक्सीमेट मैंने प्रोडक्शन ली है, जो मेरी लोकल और कुछ बाहर भी मैंने सेल करा है जो भी मेरा फ्रूट था। इसमें मेनली जो मेरा फ्रूट है वो कुछ लोकल में सेल हुआ है ज़्यादातर, जो कुछ बिलासपुर, कुछ हमीरपुर और कुछ चंडीगढ़ और जलंधर में भी गया है। मैं इसको यहाँ पे 250 से लेके 300 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल कर रहा हूँ। ड्रैगन फ्रूट मेनली हाईली न्यूट्रिशन फ्रूट है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड काफ़ी रहती है। ये ब्लड सेल को भी इम्प्रूव करता है और काफ़ी बीमारियों में भी ये हेल्प करता है रिकवरी के लिए। अभी जैसे डेंगू वगैरह का प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। इसमें मेरे को प्रशासन की ओर से काफ़ी हेल्प मिली है, मेनली DC ऊना राघव शर्मा जी, ADC साहब महेंद्र पाल जी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर साहब, उनकी तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन और योगदान भी मिला है। इसमें वो टाइम टाइम पे मेरे को जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो गाइड भी करता रहता है, और उनके द्वारा जो भी मेरे को जैसे यहाँ पे मेरे को मैंने ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम एस्टेब्लिश करना था तो उसके में उन्होंने हेल्प करी थी, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को हेल्प मिली है यहाँ पे। वर्तमान दौर में अधिकतर युवा आरामदायक जिंदगी जीने के लिए सरकारी नौकरी या बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियां पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन जिला के आदर्श नगर अंब के रहने वाले मुश्ताक गुज्जर ने खेती बाड़ी को ही अपने व्यवसाय के रूप में चुना। मुश्ताक गुज्जर ने गेहूं, मक्की, धान की परंपरागत खेती करने के बावजूद ड्रैगन फ्रूट की खेती करने में अपनी रुचि दिखाई और वर्तमान में कड़ी मेहनत करके ड्रैगन फ्रूट से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर दूसरे किसानों के लिए वह मिसाल बनकर उभरे हैं। आदर्श नगर अंब के मेहनतकश किसान मुश्ताक गुज्जर ने इस वर्ष ड्रैगन फ्रूट के लगभग 1300 पौधों से 2 टन तक पैदावार हासिल की है, जिससे उन्हें काफी लाभ मिला है। मुश्ताक बताते हैं कि इस फसल की मार्केट में अच्छी मांग है और यह फल काफी ऊंचे दामों में बिकता है। ड्रैगन फ्रूट में मानव शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एंजाइम, पोटाश व कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। मुश्ताक गुज्जर बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट को स्थानीय बाजार के अलावा जिला बिलासपुर व हमीरपुर सहित अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे चंडीगढ़ व जालंधर में भी बेचा जाता है, जिससे उन्हें काफी अच्छे दाम मिलते हैं। वहीं मुश्ताक गुज्जर के पिता शौकत गुज्जर ने बताया कि नकदी फसलों की खेती में ड्रैगन फ्रूट किसानों के लिए आमदनी का एक महत्वपूर्ण जरिया बनकर उभरा है। शौकत गुज्जर बताते हैं कि उन्होंने वर्ष 2019 में लगभग 500 ड्रैगन फ्रूट के पौधों से शुरुआत की थी। वर्तमान में उनका बेटा मुश्ताक 2 हाइब्रिड और 1 ट्रेडिशनल ड्रैगन फ्रूट के लगभग 5000 पौधों की खेती कर रहे हैं। मैंने ड्रैगन फ्रूट 2019-20 में इसकी खेती की थी। खेती करने के लिए मेरे को जो है, मैं रेलवे में एम्प्लाई था नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में, वहां पर मैंने जो है जाके आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में ये खेती देखी और उसके बाद जो है मुझे भी दिल में आया कि मैं भी ऐसी खेती करूं। साथ में मैंने अपनी ये ड्यूटी जो है अपने बेटे को मुश्ताक गुज्जर को दी और उसके बाद जो है हमने ये शुरू किया। स्टार्टिंग में हमने 125 पौधे लगाए थे, लगभग 500 पेड़, और उसके बाद जो है 500 और लगाए और अभी जो है टोटल लगभग मेरे पास पिछले साल भी हमने लगाए हैं, इसी साल मतलब स्टार्टिंग में लगाए हैं क्योंकि 8-9 महीने का हो गया हमारी खेती, उसको जो है
अभी फल लगना भी शुरू हो गया है। उस इनके कुल जो है खर्च जो है तकरीबन हमारा जो है लगा के 700-800 रुपया एक खंबे पे खर्चा आ जाता, 1000 के आसपास टोटल कुल मिला के, पेड़ और खंबा मिला के और ड्रिप इरिगेशन सारे खर्चे मिला के 1000 के आसपास खर्चा आ जाता है। और ये जो है विभिन्न बीमारियों में काम आता है, जैसे अनीमिया, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स और थायराइड जिसको कीमो होता है उनके लिए, और इसके अलावा भी कई एक बीमारियों में काम आता है। ये हमने तकरीबन जो है पिछले इस सीजन से 17 क्विंटल प्लस जो है हमारा मार्केट में जा चुका है। इसके रेट जो हैं लगभग 250 रुपया हम अपने बगीचे से देते हैं, और सारा फ्रूट हमारा अभी तक हमें मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। छोटे मोटे हैं जो हो जाता है तो उसको हम जो है यहाँ से ही पैक करके जो है जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर, इवन चंडीगढ़ भी भिजवा देते हैं किसी ना किसी थ्रू, कोई ना कोई पार्ट आने जाने वालों के हाथों। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।